गाइस ये मेरा लास्ट व्लॉग भी हो सकता है। अच्छा कॉमेडी था। सो आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम आज? रिवर राफ्टिंग। बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस होने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड। चलेंगे यहाँ पे, अगर जब तक ये गाड़ी फुल नहीं हो जाता तब तक हम वेट करेंगे। मैं सोच रही थी कि हम दोनों ही बस एक्साइटेड है और हम दोनों ही होने वाले हैं शायद, बट बहुत सारे मतलब बहुत इज्जत लोग भी आ रहे हैं। मैंने ये नाती को फॉर्म फिलअप करते हुए देखा, शी इज अराउंड 46 एंड दैट्स फ्रेंड। अभी तक रिवर राफ्टिंग करना वो मुझे, मैं डर रही थी ऑनेस्टली आने से पहले, बट उनको फॉर्म फिलअप करते हुए देखकर पूरा एनर्जी आ गया, आई कैन डू इट। और मैं अगर नहीं कर पाई तो मेरा, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मेरा सेलर हस्बैंड जा ही रहा है, इजंट इट? बोलो पीछे से हाँ को बोल दो, सेव करोगे ना मुझे? मुझे सारे लोग बोल रहे थे कि मैं जब बोल रही हूँ रिवर राफ्टिंग नहीं करना, मुझे बहुत डर लगता है। सब बोल रहे अरे तुम्हारा, सब मुझे बोल रहे तुम्हारा जो हस्बैंड है पानी का वीर बोलते हैं उसको, नदी का वीर, और तुम पानी से डरती हो। मैंने वही, इसीलिए मैं जा रही हूँ। प्रूफ करना है मुझे सब। तो कब आएंगे लोग? सो अभी हम निकल पड़े हैं श्रेष्ठा भवन से रिवर राफ्टिंग के स्टार्टिंग पॉइंट पर। सो यहाँ पर आपका पिकअप एंड ड्रॉप का फैसिलिटी है, तो ये जो कार है वो हमें स्टार्टिंग पॉइंट ले जाएगा। द फी ऑफ दिस इज 1000 पर पर्सन। महंगा है बट आई थिंक ये वर्थ इट होगा, तो उसके लिए आप देखते रहिए वीडियो, फिर आपको पता चलेगा कि वो वर्थ इट था। सो हाउ इज द जोस? सो इट्स आवर प्लेस, दिस इज फकिंग ऑसम। जान डर के आगे तो जीत है। শুনো, বোটের রশিটা কোনদিন ছাড়বা না, ঠিক আছে? সো স্বপ্ন কা মহল কেসা লাগ রহা হ্যায় আপকো? यहाँ का कुछ चार्जेस वगैरह है? जा सकते हैं? नहीं, ऊपर अलाउ नहीं करते। तो यहाँ पे कौन रहता है? वैसे ये क्या मतलब टूरिस्ट प्लेस है क्या? नहीं नहीं, वो ट्री हाउस है, वीवीआईपी के लिए। अच्छा अच्छा, वीआईपी के लिए बना हुआ है, आम आदमी के लिए नहीं है। तो छोटा घर। थैंक यू। सो दिस इज वीआईपी वीवीआईपी हाउस ऑफ केवाड़िया। हम आम आदमी हैं, आम लोग, आम जनता, वो है हमारा गरीब खाना। चलो सो राफ्टिंग प्लेस में बहुत अच्छा कुछ है ना? राफ्टिंग काफी अच्छा है, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू नहीं पे आज? हाँ, स्प्राइट पिया। ठीक है, अभी नहीं तो कब करूंगी? फैमिली टाइम। बुद्धि होने के बाद मैं सोचूंगी। हां, स्मोक कर लेती हूं। कर लो फिर। ओपन तो करो। ओपन करो ना। ओके, दिस इज लॉक्ड। चेन सिस्टम है क्या ये? ऑब्वियसली फैमिली होगा। 10th हाउस। अच्छा है।
सी द व्यू. अच्छा है रे. शो ले सकते हो. यहाँ पे बेड है, फैन है, उसके बाद लाइट्स है. इट्स फॉर आम आदमी, आम जनता लाइक अस. बेसिकली टेंट हाउस. ऑसम. जंगल की. If you litter, the future will be bitter. Okay. We want. सब लोग यहाँ पर जो भी है साथ काफी excited है. उनको पता नहीं उनके साथ क्या होने वाला है थोड़े दिन बाद. कुछ नहीं होगा, इतना मत डराओ यार. मैं डर रही हूँ कुछ. और मुझे पता है इसके बाद ये करने के बाद जब मैं निकलूँगी बाहर तब more confident. अगर मैं निकल के आई बाहर. Guys, ये मेरा लास्ट व्लॉग भी हो सकता है. अच्छा कॉमेडी था. अगर नहीं हुआ तो फिर मिलूंगी. अगर हो गया तो मेरे वीडियोस पे बहुत सारे लाइक कर देना. मैं वो मेरे लिए प्यार आप लोगों का. लास्ट राइट्स का ट्रिब्यूट है. सो कॉमेडी. नो कॉमेडी. ओके देख सकते हो काफी. इतने सारे आप So, क्या बोलना चाहोगे अभी तो राफ्टिंग करने वाले हो. पीछे देखो. इट्स ओके फाइन. राफ्टिंग करने से पहले मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है. अब पता नहीं क्या होगा. डर मतलब ऐसा नहीं लग रहा. आई एम कॉन्फिडेंट ओके. आई एम एक्साइटेड ऑल्सो. ये एडवेंचरस होगा. मैं जब से तुम्हारे साथ जब डेट करी थी तभी मैं ये सोच. ये बार बार डेट क्या होता है. हमने अरेंजमेंट्स किया हुआ है. जो भी हो मतलब मैं जब तुम्हारे साथ शादी नहीं हुआ मेरे ये बातें ऐसे नहीं बोलते. हम घूमेंगे तो जाएंगे तो अब वो सारी चीज़ें हो रहा है तो काफ़ी अच्छा लगेगा. सो यहाँ पर हमारे गाइड ने हमें रिवर राफ्टिंग के लिए कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए. राफ्टिंग सामने दिख रहा है वाइट सर. हाँ इसमें क्या है बोट आपको लेके नहीं जाएगी. आपने बोट को लेके जाना है. सबने टीम वर्क करना है. ओके तभी मजा आएगा और सेफली जाएंगे. ओके तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा आप में से किसी को मेडिकल इशू तो नहीं है. जैसे कोई हार्ट पेशेंट रिसेंट सर्जरी किसी को मिर्गी का दौरा वगैरह आता हो. एनी हार्ट डिजीज नहीं. सब लोग फिट एंड फाइन है. क्योंकि हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो एग्जिट होना पड़ेगा. बीच में रास्ता नहीं है निकलने का. तो जिसको भी डर लग रहा हो प्लीज़ यहाँ पर जब प्रैक्टिस कर रहा हो बता दीजिएगा. ओके क्योंकि बीच में निकलने का रास्ता नहीं. आपने देखा पुल के नीचे बड़े बड़े रैपिड है. और एक चीज़ आगे जाके एक बड़ा रैपिड है वो रहने वाला नहीं है. उसको वॉक करके जाना है साइड में. आपने स्लीपर सैंड इन शूज जो भी पहने इसको पहन के रखना कीप देम ऑन. क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा वॉक करना पड़ेगा. और जो गाइड रहेगा आपके साथ उसको उसके साथ आपने बोट को उठा के लेके जाना है. ओके गुड. तो हमारे पास कुछ 3 पीस ऑफ इक्विपमेंट होता है आपको प्रोवाइड करेंगे. उसको पहनने के बाद आप डूबेंगे नहीं, लगेगा नहीं. ओके इसे बोलते हैं लाइफ जैकेट टी ऑफ डी. ओके पर्सनल फ्लोटेशन डिवाइस. इसको लूज एंड टाइट इस तरीके से होगा. यहाँ से साइड से करना है. ओके इसको पहनने के साथ शर्ट की तरह इसे ये पिलो आउटसाइड रहेगा. ये ब्लैक अंदर होगा. इस तरीके से पहनना है. इसमें 4 बकल है. स्टार्ट करेंगे बॉटम से. ओके इस तरीके से लॉक करना है. ये टाइट नहीं करना है. वो फाइनल चेक गाइड करेगा. आपने छोड़ देना है. ओके हेलमेट ये भी लूजिंग टाइट है. यहाँ से इस तरीके से पहनना है. ये इसको लॉक करने के बाद 2 फिंगर लूज होना चाहिए. ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना. ओके तो दर्द करेगा. ओके और जो भी आपके पास अवेलेबल्स है कैमरा वॉलेट मोबाइल ये कॉमन बैग है इसमें रखना है. ओके ये गाड़ी से सेफली आपको एग्जिट पॉइंट पे मिलेगा. आप ड्रीवर से लेके जाओगे भीगने वाला टूटने वाला कुछ भी सामान तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ओके ठीक है ना. तो बोट में बैठने से पहले आपने इसमें रखना है. ओके तो अभी मैं बता देता हूँ आपको रिवर में आपने क्या करना है क्या नहीं करना है सेफ्टी के बारे में. तो आप में से पहले कितनों ने किया हुआ राफ्टिंग. सीजल पटेल बहुत बढ़िया. बट यहाँ पर जो रैपिड है सारे लेवल 3+ के सारे बड़े रैपिड है. सपोज आप पानी में गिर जाते हैं फर्स्ट थिंग डू नॉट पैनिक. बिल्कुल भी घबराना नहीं है. आपके पास कुछ फ्लोटेबल जैकेट आप फ्लोट करेंगे. ओके बिल्कुल भी घबराना नहीं है. उस टाइम आपने जिस क्लोज योर माउथ मुंह को नहीं खोलना है. मुंह को बंद रखना है. हेल्प हेल्प चिल्लाना नहीं. ओके तो आपने स्विम भी ट्राई नहीं करना है. आपको स्विमिंग आता हो नहीं आता. आपने क्या करना है वाइट वाइट वाटर स्विमिंग पोजिशन होता है वो क्या होता है. आपके जैकेट के शोल्डर के साथ हाथ में पैडल है तो इस तरीके से पकड़ना है और आराम से उल्टा लेट जाना है. ओके तरीके से जो आपका ये फिट है वाटर सरफेस पे आएगा. इस लाइन ऑफ बैग हमेशा ध्यान रखना है. सो आफ्टर ऑल द इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन अभी हम राफ्टिंग शुरू करने वाले थे. सो लेट्स एंजॉय द राइड.
चलो फास्ट फॉरवर्ड जितना डर लेकर मैं गई थी वैसा कुछ भी नहीं था। हमारा जो गाइड था बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया हमें, और इवन मेरे हस्बैंड के वजह से मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई थी, बहुत एडवेंचरस लगा। एंड इस राइड के बाद मुझे नहीं लगता मुझे रिवर क्राफ्टिंग के लिए कभी नेक्स्ट टाइम आई विल से नो, इट्स ऑलवेज ए यस बिकॉज इट वॉज वेरी एडवेंचरस। आई फेल्ट एक्सट्रीमली हैप्पी और मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। एक्चुअली हम सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, सो यू कैन सी द हैप्पी फेसेस ऑल्सो। बहुत इंजॉयबल था, ठंडे ठंडे पानी एंड द नेचर, बहुत सूथिंग था। नेचर के बीच रहना तो सबको ही पसंद है, और साथ पे जब आप ऐसा एडवेंचर स्पोर्ट्स लीग के साथ जाए तो क्या ही बात। आई रिकमेंड कि लाइफ में एक बार अपने बकेट लिस्ट में रिवर राफ्टिंग जरूर ऐड कर लीजिए। मी बीइंग अ नॉन स्विमर जब ये कर सकता है तो आप सब भी बहुत अच्छे तरीके से ये कर सकेंगे। तो यार सारे ऑलमोस्ट नॉन स्विमर ही थे एक्सेप्ट माई हस्बैंड, उनको थोड़ा बहुत आता है बट ही बिल्कुल नॉन स्विमर। लेकिन नॉन स्विमर के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्पोर्ट्स है, आप कर सकते हो। रिस्की है बट लाइफ में रिस्क लेना भी इम्पॉर्टेंट है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देगा ये राइड। गाइस आई होप आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगे। Keep loving, keep watching my videos और मुझे motivate कीजिए कि मैं और ज़्यादा अच्छे videos बना सकूँ आप सबके लिए। तब तक के लिए आप सब देखिए इस video को और enjoy कीजिए। Bye guys।